पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिव्यलोक आश्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी जोर शोर के साथ चल रही है। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर विश्व जागृति मिशन के तत्वावधान में भव्य आयोजन होगा, जिसमें 6 सितंबर को शाम 8 बजे से दुग्धाभिषेक किया जाएगा, तो वहीं 9 बजे से नृत्य नाटिका और कृष्ण लीला का मंचन होगा। जन्म उत्सव के वक्त 12 बजे आरती की जाएगी, जिसके बाद प्रसाद का वितरण होगा। मिशन के प्रधान राकेश अग्रवाल ने बताया कि हर वर्ष की तरह भव्यता के साथ जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें जनपद के साथ साथ दूर दराज से लोग आमंत्रित हैं। जन्माष्टमी का उत्सव अब किस है 6 सितंबर दिन बुधवार को दिव्यलोक आश्रम पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और बाहर से कलाकार बुलाए गए हैं। रात के 8 बजे पहले दुग्धाभिषेक का कार्यक्रम है, उसके बाद 9 बजे से नृत्य वाटिका का कार्यक्रम है और उसमें कलाकार जो है फूलों की होली और भी कार्यक्रम रखे गए हैं वो रखे जाएंगे और 12 बजे जन्माष्टमी की आरती भगवान के जन्म उत्सव होगी और इस प्रकार से कार्यक्रम रखे गए हैं कि बड़े धूमधाम से और बड़े उत्साह के साथ ये कार्यक्रम मनाया जाएगा, क्योंकि अभी लोगों में बड़ा उत्साह है। जो हमने कार्यक्रम रखा था पीछे 5 दिन का अखंड जाप रखा था, जो बहुत ही सफल रहा, उसके मुरादाबाद में आम चर्चा है और इसी रूप में ये कार्यक्रम रखा जा रहा है कि जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों का सहयोग रहे और जो गुरु दीक्षित हैं और भी लोग जो सब आना चाहें वो सादर आमंत्रित हैं। कृष्ण जन्मोत्सव के उत्सव को हम बहुत धूमधाम से अपने विश्व जागृति मिशन परिवार के द्वारा सभी लोग सहयोगी आपस में मिलजुल कर बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। सुबह से ही आश्रम पर कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, सारी व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी, काफ़ी धूमधाम और काफ़ी चहल पहल रहेगी आश्रम पर। इसके पश्चात शाम को 8 बजे से ही दुग्ध अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 9 बजे से रासलीला लघु नृत्य नाटिकाएँ और मयूर नृत्य के माध्यम से रास को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी श्रेणी में आगे फिर बाद में कृष्ण जन्मोत्सव की झांकी भी बहुत सुंदर तरीके से पेश की जाएगी नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से बाहर से आए कलाकारों के द्वारा। सभी हम नगरवासियों से निवेदन करते हैं, श्रद्धालुओं से निवेदन करते हैं, भक्तजनों से निवेदन करते हैं कि इस अवसर पर कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव पर दिव्यलोक आश्रम पर अवश्य पधारें, आकर हमारा उत्साह वर्धन करें और हमारे आश्रम को देखें। यहाँ की अंदर की मूर्तियाँ हम बहुत सभी लोग आपस में मिलजुल कर बहुत सुंदर ढंग से इसको सजाते हैं, संवारते हैं। इसको भी आप लोग दर्शन अवश्य करें, दर्शनीय स्थल है इस समय दिव्यलोक आश्रम, आकर के रास का भी आनंद अवश्य लें, उत्साह हमारा वर्धन करें। रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, इसमें आरती होगी, आरती के पश्चात भंडारा प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। आप सभी लोग आएँ और हमारा उत्साह वर्धन करेंगे। धन्यवाद। और किस तरह का कार्यक्रम है वो? जैसा आप सबको विदित है कि दिव्यलोक आश्रम है, रामगंगा किनारे आशियाना में स्थित है और सारे प्रोग्राम जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं अपने सनातनी त्यौहार, उनको बड़ी धूमधाम से वहाँ मनाते हैं। इसी कड़ी में 6 सितंबर को हम जन्माष्टमी के उपलक्ष में आश्रम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसको कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का हमने नाम दिया है। शाम को 8:30 बजे से वहाँ दुग्धाभिषेक होगा और उसके बाद 9 बजे से नृत्य नाटिका और वहाँ कृष्ण लीला का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके लिए कि मंडली बुलाई गई है। बहुत भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है और रात को भी 12 बजे जैसे ही भगवान के जन्म को मनाते हैं उसके बाद भंडारा और प्रसाद का आयोजन है। आप सभी शहरवासियों को मैं यहाँ आने का दावत देता हूँ, कृपया आप सभी इसमें अवश्य उपस्थित हों और हम भगवान के जन्माष्टमी का जो उत्सव हम मनाने जा रहे हैं उसको खूब धूमधाम से हमारे साथ मनाएं और आप भी आश्रम में आएंगे, आपको अच्छा लगेगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया आप अधिक से अधिक संख्या में आएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।